ओके बेटा, हेलो एवरीवन, दोबारा से एक छोटी सी शॉर्ट ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर इंडेक्सेस और इक्वेशन दोनों में ही काम आती है। देख रहे हैं यहाँ पर बेटा, अगर मुझे अगर हमारे को क्वेश्चन दिया हो यहाँ पर ऑफ द फॉर्म रूट सेवन करते जाए अप टू इन्फिनिटी। ट्रेडिशनल तरीका तो यह है कि आप इसको एक्स मान लीजिए, स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड्स, एक्स की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व एंड फाइंड आंसर। या द अदर वे अराउंड इज सिंपली, अगर आपको रूट सेवन या कोई भी नंबर दिया हुआ है अप टू इन्फिनिटी, बेटा इसका सीधा आंसर 7 लिख पाएंगे। खत्म, कुछ भी करने की और जरूरत नहीं है। ओ तो सर, इसका मतलब अगर रूट फाइव हो तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, 1 सेकंड में आ जाएगा। यस, आंसर इज फाइव। खत्म। ओके बेटा, इसी में देखिए यहाँ पर केस भी क्या कह रहा है इस बार, रूट थ्री। लेकिन इस बार ये सीरीज इन्फिनिटी तक नहीं जा रही है, इस बार अंडर रूट 4 बार किया हुआ है, या 5 बार किया हुआ है, या 3 बार किया हुआ है, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप अंडर रूट करते जा रहे हैं। तो बेटा आंसर क्या होगा इस बार आंसर हो जाएगा 3, जो भी सीरीज है, और इसकी पावर आएगी कुछ फ्रैक्शन में। सर ये फ्रैक्शन क्या होगा, चेक करो बेटा, कितनी बार अंडर रूट करना पड़ रहा है, 1, 2, 3, 4। बेटा एक अंडर रूट की मतलब होता है पावर हाफ, तो हाफ इनटू हाफ कितना हो गया बेटा, 1/16। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 16 और न्यूमरेटर में एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 15। तो 3 की पावर 15/16 इज द रिक्वायर्ड आंसर। खत्म बात बेटा। सिमिलरली सर ये हम करेंगे, बेटा करके बताओ फटाफट से, रूट सेवन 3 बार दिया हुआ है, लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो आंसर आएगा 7 की पावर में कुछ फ्रैक्शन। ये बताओ बेटा फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन सर अंडर रूट किया हुआ है 1, 2, 3 बार, एक अंडर रूट का मतलब 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/8, पावर हो जाएगी 8, और न्यूमरेटर में 1 लेस करके दिखाएंगे, यानी 7 की पावर 7/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।